Sadly, I'm 21 years old and I made. एक शादी के लिए नहीं बताई थी ऐसे ही बताई है। I'm 21 years old. I currently live in Toronto, Canada, and I'm studying at University of Waterloo. इतना बायोडाटा बनाने की जरूरत नहीं है, शादी कर सकते नहीं किसी भी भेजना। मुझे ये बताओ, you've come all the way from Canada. जी, welcome. Thank you. सबसे मजेदार एक्सपीरियंस क्या रहा है पाकिस्तान में? मजेदार तो बहुत रहे, लेकिन मैं आपको एक वियर्ड एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओह ओके। तो अ फ्यू डेज अगो आई वाज एट मैकडॉनल्ड्स और मैं अपना खाना खा रहा था और एक आंटी आती हैं और आंटी कहती हैं, बेटा मेरी बेटी जो है ना आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो जो है ना आपकी सारी वीडियोस देखती है, नंबर वन फैन है, वो बहुत शाय है, वो आपके साथ पिक्चर अभी ले नहीं सकती, मैं उसको अभी लेके आती हूँ। मैंने कहा जी आंटी ले आए। मैं तो खुश हो रहा था ना कि आंटी अपनी बेटी लेके आ रही है, मैं बैठा हूँ, मुझे लगा कि शायद कोई चक्कर ही चल जाए। फिर आंटी अपनी बेटी लेके आती हैं और उसको मेरी गोद में डाल देती हैं। 6 महीने की बेटी है उनकी और मुझे कह रही थी। फिर मैंने आंटी को देखा, मैंने कहा आंटी आप तो कह रही थी कि इसने मेरी सारी वीडियोस देखी नहीं है, इसको तो बोलना भी नहीं आता। आंटी कहती बोलना तो नहीं आता लेकिन देखना तो आता है ना। So I guess that was one of the weird experiences that I've had in Pakistan. मजेदार बात ये है कि हमारे साथ रोज ये होता है। It's not weird for us. अच्छा, you know, तुम ऑनलाइन तो बड़ा अच्छा कर लेते हो। जी, लाइव करके दिखाओ ना। मुझे पता था तुम इस तरह का सवाल पूछोगे, इसलिए मैं अपना दुपट्टा साथ लेके आया हूँ। उनके बेटे बच्चे जितने भी गंदे हो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में हर वक्त ब्रैग करना है। एंड दिस इज अ स्किट अबाउट टू देसी आंटीज। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम बाजी, कितने दिन हो गए आप मिलती नहीं है। बस बाजी आपको तो पता है ना, मैं बस काम में मशगूल रहती हूँ। अच्छा बाजी काम को छोड़े, आप मुझे अपने बेटे के बारे में पिछली बार बता रही थी, वो आपने बताया नहीं आपका बेटा करता क्या है। बाजी मत पूछो, मैं आपको आज अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है ना अहमद, उसका जो है ना अभी अभी ऑक्सफर्ड में एडमिशन हुआ है, दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड में एडमिशन हुआ है, और ऑक्सफर्ड की सारी लड़कियां मेरे बेटे पे मरती हैं। और आपको पता है प्रोफेसर आके कहता है कि बेटा तुम पढ़ा लो हम घर चले जाते हैं, इतना स्मार्ट है मेरा बेटा। लेकिन बाजी हमने जो है ना कभी शो ऑफ नहीं किया। अच्छा बाजी आपका बेटा ऑक्सफर्ड में पढ़ता है? झूठ बोल रही है तुम्हीं। अच्छा बाजी मैं आपको अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। कल जो है ना मैं अपने कंप्यूटर पे बैठी हुई थी, फेसबुकिंग कर रही थी और मुझे कॉल आई, रिंग रिंग, तो मैंने उठा ली और मेरे बेटे की आवाज पता नहीं कट कट के आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ से कॉल कर रहा है। पता नहीं कुछ ग्रेविटी ग्रूविटी के बारे में बात कर रहा था। फिर बाद में पता चला बाजी मेरा बेटा तो चांद पे पहुंचा हुआ है, मुझे चांद से कॉल कर रहा था। अब देख ले बाजी बच्चे हमारे चांद से हो आए हैं, लेकिन हमने कभी शो ऑफ नहीं किया। अच्छा बाजी आपका बेटा चांद से हो आया है? अच्छा बाजी मैं आपको अपने छोटे बेटे के बारे में बताती हूँ। मैं भी अपने टीवी पे कल बैठी हुई थी और मैं ड्रामा देख रही थी और मुझे भी कॉल आई, मैंने फोन उठाया। आपको पता है ना उसका वो क्या है, काला कोला, वो हाँ बराक ओबामा, उसकी कॉल आई हुई थी और वो कहता कि वो जो है ना मेरे बेटे के साथ चाय पीना चाहता है। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास इस तरह के फजूल लोगों के लिए टाइम है? तो मेरा बेटा कहता नहीं। अब देख ले बाजी बराक ओबामा मेरे बेटे के साथ चाय पीना चाहता है, लेकिन हमने कभी शो ऑफ नहीं किया। बराक ओबामा? बाजी बराक ओबामा तो पुरानी न्यूज है, आपने वो सुना है ना नया वाला डोनाल्ड डक? वही जो नया नमूना नहीं आया हुआ जिसके बाल झाड़ू से लगते हैं, डोनाल्ड डक नहीं, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप। हाँ वो मेरा बेटा जो है ना डोनाल्ड ट्रंप का मैनेजर है और वो डोनाल्ड ट्रंप कल आता है और मेरे बेटे को कहता है कि बेटा देखो मेरी जो है ना सारी दौलत तुम रख लो, $4 billion सारे तुम रख लो। अब देख ले बाजी वो बेटा मेरा आके मुझे बताता है और मैंने कहा बेटा हम मर जाएंगे लेकिन हम कभी हराम की कमाई को नहीं छुएंगे। अब देख ले बाजी
मेरा बेटा जो है ना दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा बन सकता था, लेकिन हमने कभी शो ऑफ नहीं किया। एक सवाल, एक सवाल।